आत्म नमस्ते, मैं हूँ संगीता शाह। दोस्तों, सावन का महीना शुरू हो गया है, भोले बाबा का ये महीना होता है। और अभी अभी मुझे एक कॉल आया मेरे एक फॉलोअर और सब्सक्राइबर का कि मैम, हम रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, हमारी राशि ये है, तो हम कौन सा रुद्राक्ष पहने। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि लोगों को ये नहीं पता होता है कि उनकी कौन सी राशि है तो उन्हें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए। रुद्राक्ष तो वैसे सभी लोग पहनना चाहते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, रुद्राक्ष मेरे पास भी नेपाली रुद्राक्ष सभी प्रकार के अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को रुद्राक्ष प्राप्त करना है ओरिजिनल, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है उसमें अभी आगे बढ़ते हैं, और इसको पूरा देखना तो आप दूसरों को भी सजेस्ट कर पाएंगे कि उनकी कौन सी राशि है तो वो कौन सा कितने मुखी का रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि के बारे में बता रही हूँ मैं, संग संग बताऊंगी, क्योंकि दोनों ही राशि के जो स्वामी है वो मंगल है, और मंगल अग्नि तत्व है ना। तो इन लोगों के लिए जो है ना, तीन मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है। अगर ये तीन मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा, इनके अंदर तेज बढ़ेगा और काम करने की शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा आएगी, एक्टिव हो जाएंगे। तो जितने भी मेष और वृश्चिक राशि वाले अभी इसको देख रहे हैं, वो लोग तीन मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ और तुला राशि की, क्योंकि इनके जो स्वामी हैं वो शुक्र है, इसीलिए मैं दो राशियों को साथ में बता रही हूँ, क्योंकि 12 राशियाँ हैं और बहुत बार स्वामी सेम होते हैं। तो वृषभ और तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र हैं, तो उन्हें जो है ना, छह मुखी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। इससे क्या होगा ना, इनका विवेक बढ़ेगा, इनके अंदर तेजस बढ़ेगा और इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोग, जितने भी लोग अगर आपके जानकारी में है तो उनको ज़रूर बताना। फिर आती है बारी मिथुन और कन्या राशि की। और हाँ, तीन मुखी रुद्राक्ष को भगवान ब्रह्मा का भी स्वरूप माना गया है, तो इससे ज्ञान की वृद्धि भी होती है, ठीक है। तो अभी मैं बात करती हूँ मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए। इनके जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं, और बुध के लिए मैं आपको बोलूँगी कि आप चार मुखी रुद्राक्ष का जो है आप धारण करें, ठीक है। चार मुखी रुद्राक्ष आप अगर धारण करते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। इससे आपको बुध बहुत अच्छे रहेंगे और साथ ही साथ आपको जो है बहुत लाभ होगा, ठीक है। तो आप लोग चार मुखी जो रुद्राक्ष हैं वो धारण करिए। इसके बाद में कर्क राशि वाले, इनका जो स्वामी होते हैं वो चंद्रमा होते हैं, तो इन लोगों ने दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष को जो अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा जाता है, अगर ये लोग जो है दो मुखी रुद्राक्ष अगर धारण करते हैं तो इनके उसको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब सिंह राशि, सिंह राशि वालों के स्वामी होते हैं सूर्य, इसीलिए इन्हें एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुखी वैसे बहुत दुर्लभ है, जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप भाग्यशाली रहे और अगर आपको एक मुखी मिला तो आप निश्चित ही इसे धारण करिए। इससे आपको बहुत कार्य में सफलता मिलेगी, आपका यश, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, और जो है आप बहुत बेहतरीन अपने जीवन में मुकामों को हासिल कर सकते हैं। तो आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही उत्तम होगा। अगर कहीं मिल जाए तो आप इसे ज़रूर धारण करें। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मैं भी आपके लिए एक मुखी रुद्राक्ष कहीं से प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छे डीलर्स अवेलेबल हैं। अभी आती है बारी धनु राशि की और मीन राशि की। इनके जो स्वामी है वो बृहस्पति है, इसीलिए इन्हें पंचमुखी रुद्राक्ष यानी पांच मुखी रुद्राक्ष जो है अपने गले में धारण करना चाहिए। इससे जो है ना, इनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। पंचमुखी रुद्राक्ष को भैरव बाबा का भी रूप माना जाता है, तो इनके अंदर एक ताकत रहेगी, भय बिल्कुल नहीं रहेगा, बहुत नीडर होंगे और हर काम में इनको सफलता मिलेगी। इसके बाद में अभी मैं बता रही हूँ आपको मकर राशि और कुंभ राशि। इनके स्वामी शनि हैं, इसीलिए इन्हें अगर सात मुखी रुद्राक्ष कहीं से प्राप्त हो जाए तो ये उसे धारण कर सकते हैं, इससे इनको बहुत लाभ होगा। अब बात करती हूँ मैं आपसे कि जो है ना, क्यों रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और किस तरह से सात मुखी रुद्राक्ष कुंभ राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सात मुखी जो रुद्राक्ष है वो सप्त ऋषियों को और सप्त मातृकाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे इनका ज्ञान में वृद्धि होगी और कार्यकुशलता बढ़ेगी और इनके लिए बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे। अभी जो लोग रुद्राक्ष की माला पहनते हैं या रुद्राक्ष पहनते हैं,
जैसे अभी मैंने ये रुद्राक्ष पहना है, ये पांच मुखी की बीड्स की माला है जो मैं हर वक्त अपने गले में धारण किए रहती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आप दिन भर तो धारण कीजिएगा, लेकिन रात को सोते वक्त आपको रुद्राक्ष की माला है या चंदन की माला है या जो भी माला आपने पहनी है उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। तो अगर आप रात को पहन के सोते हैं ना, तो बहुत बार आपको अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, क्योंकि वो माला एक्टिव रहती है। जैसे अभी मैं इस माला से जाप भी करती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल माला है, तो इसमें निरंतर एक एनर्जी फ्लो होते रहती है। अगर आप इसे धारण करके सोएंगे तो ये होता है कि आपकी आपको सही से नींद नहीं आएगी, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए आपने जो भी माला पहनी है या जो भी रुद्राक्ष पहना है, वो रात को आपको अपने गले से निकाल के फिर ही आपको सोने जाना है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आपकी कौन सी राशि के लिए आप कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और रुद्राक्ष जो है साक्षात भगवान शिव के प्रसाद रूप में हमें मिलता है, तो इस पे आप जब भी खरीदें, इसकी प्राण प्रतिष्ठा करा के शिव मंदिर में जो है शिवलिंग के ऊपर इसको थोड़ा स्पर्श करा के फिर आप इसे लाल कलर के धागे में अपने गले में धारण कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसे सोने में या चांदी में गुतवा के भी आप इसे अपने गले में धारण कर सकते हैं, और समय समय पे इसे शिव मंदिर ले जाके शिव के ऊपर जो जल अभिषेक हो रहा है, वो जब नीचे हो रहा है उसमें आप इसको धो के फिर से आप इसे एक्टिव करके, ऐसे आप करके इस रुद्राक्ष की माला का या रुद्राक्ष का हमेशा लाभ ले सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आत्म नमस्ते।